हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, राम राम, जय माता दी। कैसे हो? सर स्वागत है थोड़ा सारे का मेरे चैनल रूप ब्लॉगर ते। तो फ्रेंड, अज वाली वीडियो च आप लैके आए फिर तो कटहल नू। पहला आप कटहल का बनाया सी अचार, ते हुण आप बनावांगे जी सब्जी। बड़े देर की रिक्वेस्ट आ रही थी जदों दा आप अचार पाया सी कि मैडम ये सब्जी भी बना के विखाओ। साडे रोपड़ दे विच आउणे बंद हो गए सी क्योंकि इहदा सीजन हुंदा है, वह आने बंद हो गए सके कटहल, इस करके आप लिया नहीं सके। कटहल आते जरूर से पर पक्के आते। सब्जी जी कच्चे कटहल की ज्यादा स्वाद लगती है, जे पक्के कटहल की सब्जी नहीं स्वाद लगती। जो तुम सब्जी बनानी है चाहे अचार बना तो तुम्हें कच्चा कच्चा ही लैके आओगे तो ता ही टेस्टी बनता वा। पक्का जो फ्रूट के गिणा जाता वैसे खा सकते हो। अपने इधर तो घट हों, केरला वाल ज्यादा हों, उधर लोग वैसे इन फ्रूट के वांगू भी खाते। नॉन वेज में भी मात पाती है, बहुत ज्यादा टेस्टी भी होंगी है, बहुत ज्यादा हैल्दी भी होंगी है, बहुत ज्यादा स्वाद लगती है सब्जी। सर्दी के एक बार जरूर खानी चाहिए है, तुसी लिया के बना के खा के वेख्या करो। वैसे गर्म तसीर का होंगे, सर्दी के खाधा जाए तो ता ही लाभदायक होंगे। तो यदि सब्जी चटकारेदार बनाने वास्ते अपन केड़े केड़े मसाले चाहिए आ, की आप ये पा रहे हैं वह आप तुम्हें दिखा दें। कटहल की सब्जी किवें आप कट्टना, किवें आप छिलना, सारा तुम वीडियो बने रहो। तो जे वीडियो चंगी लगू तो लाइक तो शेयर दब के कर दियो। जे जेडे मेरे चैनल पर नवे आए हैं उन्होंने रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल रूप ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लैन, बैल बटन दबाना ना भूलन, ताकि नैक्सट वीडियो नोटिफिकेशन उन्होंने मिलती रहे। तो आओ जी आप शुरू कर दें कटहल की सब्जी बनाना। तो कटहल की सब्जी वास्ते आप लिया जी कटहल, ये आप वड्डा पीस ही लिया है। तुम चाहो तो बाजार में कटा के भी लिया सकते हो, जो छोटे छोटे पीस करके देंगे। आप कटी हुई चीज़ नहीं वरतते अद्धे घंटे तो बाद। पहला भी आपको वीडियो दस्या आया भी आप कोई भी फ्रूट है जो कुछ कट्टी हुई अद्धा घंटा हो गया कोई फ्रूट नूं जां सब्जी नूं आपां उह नहीं यूज करदे, तो इस करके आपां इह लए। ते दूजा कारण साडा इह वी असीं इहदा अद्धे दी सब्जी बनावांगे ते बाकी दा असीं बनावांगे चार चार, वी इहदा बहुत ज्यादा टेस्टी हुंदा। ते कटहल दी सब्जी दे विच जिहड़े आपां मसाले पाउणे आ, आपां दो तीन प्याज लए देखो तड़के वास्ते, ते तीन आपां लए टमाटर। तुसीं इहनूं टमाटर दी प्यूरी पा के भी बना सकदे हो ते दही पा के भी बना सकदे हो। एक गंढी आपां लई है जी लसन दी, ते इह लिया जी आपां थोड़ा जिहा अदरक ते दो हरियां मिर्चां, तो जिहड़े सुके मसाले आ उह नाल जिहड़े पाउणे आपां तुहानूं दसदे रहांगे नाल नाल। ते इधर आपां कढ़ाई दे विच पानी गर्म रख दिता वा, ते कटहल नूं आपां कट के ते पीस करके इहदे विच पावांगे। इदां जिहड़ी उह कटहल दी सब्जी जिहड़ी हैल्दी बनदी आ। वैसे कई लोग इहनूं कट के पीसे दे ते इहनूं फ्राई करके जिवें डीप फ्राई करदे ने, कोई शैलो फ्राई करदा फ्राई करके ते फिर इहनूं तड़का लाउंदे आ। बट आपां इहनूं जिवें आपां चार बनाया सी, तुसीं मेरे चैनल ते जाके वेख सकदे हो, आपां कटहल दे चाल दी वीडियो पहलां ही पाई है चैनल ते। जिवें आपां चार वारी इहनूं नमक ते हल्दी वाले पानी दे विच थोड़ा जिहा उबालिया सी, उदां आपां ने उबाल के फिर सब्जी बनावांगे। इदां हैवी सब्जी भी नहीं बनदी ते टेस्टी भी बहुत बनदी आ। ਵੀ एक चिकन बटन ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੀਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਲਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ, ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਟਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਬਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਟਹਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਭੁੰਨਣਾ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਹਲ ਆ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਪਕਾਈਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
सारा कट लिया, एडे एडे पीस आप बना ले, तो छोटे नहीं तुसी करना, नहीं तो खुरदे जाते बाद च ग्रेवी च जो आप पाने इन्हों उबाल के। इन चंगी तरह आप वॉश भी कर लिया, हुण पानी अपना गर्म हो चुका है, तो ये आप कटहल पा देंगे। हुण आप इहदे उत्ते पा देंगे थोड़ा जिहा नमक, नाल इहदे विच पाती आपां थोड़ी जी हल्दी पाउडर, ते हुण इहनूं आपां चंगी तरह उबाल लैंदे आ। नरम होण तक इहनूं आपां उबालणा है। हुण इहनूं आपां ढक के रख दिंदे आ। तुसीं इहनूं वैसे भी उबाल सकदे आ, बट जे तुसीं इहदे विच नमक ते हल्दी पाओगे ना उहदा टेस्ट दुगना हो जांदा है, क्योंकि जदों आपां इहदे विच नमक पाउंदे आ ना उबालण दे टाइम, ते उह चंगी तरह उहदे विच कटहल दे पीस दे विच रच जांदा है। नहीं तो जिवें आपां ग्रेवी दे विच बाद च इहनूं पाउंदे आ ते थोड़ा फिक्का जिहा वी किसे वेले रहि जांदा जे इहनूं आपां कल्ला उबालीए, बट ए जो आप नमक पाता तो फिर टेस्ट बहुत वधिया आना। जिन्ना चेर उबलता उन्ना चेर आप तड़के की कटिंग करके तो इनू कुट लें। तुसी इहदी ग्रेवी भी बना सकते हो ग्राइंडर दे विच, बट असी इनू कुंडे दे विच कुट के तैयार करांगे तड़के नू। ये देखो जी तड़का अपना कुटिया गया है। आप लसन अदरक ते हल्दी ये आप वखरा कुट लिया सी, ते आप प्याज कुट लिया, ते इस तो बाद आप टमाटर कुट लाँगे। इधर अपना जिहड़ा कटहल आ वह उबल चुके है, जिन्ना क आप इन उबालना है। जे इन ज्यादा उबालेंगे तो इन्हें सारा खिलर जाना, जिम्मे तुम पीस देख रहे फिर ये पीस नहीं रहने। देखो तुम देख सकते हो नरम हो गया, हाथ ना नपीए तो नरम आ। इन हूँ आप कढ लें, इस कढ़ाई चाह तड़का लावे। ਇਹਦੇ ਉਬਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਕਿਨ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਬਾਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੰਜਟ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕੜਾਈ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜੋਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇਜ ਪੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ ਕੁੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਜ ਆਪਣੇ ਭੁੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ। ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਉਹ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਟਹਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਚ ਹਲਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ। ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਟਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਮਟਰ।
क्योंकि कटहल जो गर्म होंगे मटर जो ठंडे होंगे इस करके आप मटर पा रहे हैं। कल कटहल की भी सब्जी बना सकते हो बट सानू जिम्मे बच्चों ना मटर खाने भी पसंद है इस करके आप मटर भी पा रहे हैं। मटर भी थोड़े जे भुन लेने मटर पाने जो टेस्ट दुगना वध जाता है बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। वैसे तुम कला बनाओ तो भी बहुत टेस्टी लगता है। अपने मटर देखो भुज चुके ने हुण आप कटहल पा देंगे अपना इनू भी आप थोड़ी देर पहना ए तड़के भुना बस आप एक दो मिनट इन कटहल भुनना तड़के च इहदा टेस्ट वधाउण वास्ते। मुड़के आप पानी पा देना पानी तुसीं आपदी मर्जी ना ग्रेवी दी बना सकते हो जिदा का तुहानूं खाना पसंद है। कई लोग इदा ड्राई भी खाते ने तुसीं इदा इहनूं सुक्का भी बना सकते हो तरी वाला भी बना सकते हो। हुण देखो कटहल अपना भी भुज चुका एक दो मिनट हुण आप पानी पा देंगे। ये देखो ये पानी पा दिता तो हुण इहनूं आपां ढक के रख दिंदे आ। बस 10 मिनटां तक अपनी ये सब्जी बन के जिहड़ी रेडी हो जाणी आ। तुसीं देख सकदे हो ऐं लगदा ना जिवें नॉन वेज कढ़ाई दे विच पिया होवे। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हुंदा ते हैल्दी भी बहुत ज़्यादा हुंदा। ते जिहड़े नॉन वेज नूं तरसदे ने तुसीं एक वारी कटहल खा लो सेम ही टेस्ट लगेगा तुहानूं बहुत ज़्यादा। ये देखो जी सब्जी अपनी बन के तैयार हो चुकी है। तुसी ग्रेवी अपनी पसंदी रख सकते हो ज्यादा थोड़ी तो हम आप पा देंगे ये उत्ते हरा धनिया। लो जी अपनी सब्जी है जी तैयार आ नॉन वेज नूं मात पाउण वाली। तो हुण तुसी मैनूं कमेंट करके दस्सो कि तुहानूं साडी अज्ज इह कटहल दी नवें तरीके नाल सब्जी बनाउण वाली वीडियो किदां दी लगी। जे वीडियो चंगी लगी तो लाइक ते शेयर दब के कर दिओ। जिहड़े मेरे चैनल ते नवे आए ने उहनां नूं रिक्वेस्ट आ जी मेरे चैनल नूं ब्लॉगां नूं सबसक्राइब जरूर कर लैण। बैल बटन दबाउणा ना भुल्लण ताकि नैक्सट वीडियो नोटिफिकेशन उहनां नूं मिलदी रहे। हुण इत्थे आपां वीडियो दा करदे जी एंड ते गर्मा गर्म कटहल दी सब्जी खा के करदे इंजॉय। मिलदे आ नैक्सट वीडियो तद तक लई बाय। Thank you.